नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। भारत का संविधान, जिसे लेकर देश में दो मत है, एक तबका संविधान को सर्वोपरि मानता है तो वही दूसरा तबका इसे बदलने की बात कहता है। संविधान को गुलामी का प्रतीक तक कह दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय के संविधान को लेकर लिखे गए एक लेख पर बवाल मच गया था। वही अब कविवर कुमार विश्वास के बयान की वजह से एक बार फिर संविधान को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पत्रकार अजीत कुमार मिश्रा ने फेसबुक पर एक वाक्या शेयर करते हुए गीता और संविधान में किसे चुने, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कवि कुमार विश्वास के बयान को आधार बनाया। बता दें कि पत्रकार अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि मेरे ऑफिस के एक लड़के ने मुझसे कहा कि कुछ दिनों पहले कविवर कुमार विश्वास से जब ये पूछा गया कि वो संविधान और गीता में किसे पहले चुनेंगे, तो कविवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा कि वो संविधान को गीता से ऊपर रखेंगे। अब जब ये सवाल अजीत कुमार मिश्रा से उनके ऑफिस में एक लड़के ने पूछा, तो इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर एक लंबा लेख लिख दिया जो कि इस वक्त खूब वायरल हो रहा। उन्होंने गीता और संविधान में किसे चुने शीर्षक के साथ लिखा, मैंने उस लड़के से कहा कि जिस संविधान को कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ लोग, कुछ भ्रष्टाचारी तो कुछ अत्याचारी लोगों ने अपने हिसाब से अब तक करीब 100 से अधिक बार अपने हितों के लिए संशोधित कर इतना बदल दिया, उसे कविवर ने गीता से ऊपर क्यों रखा, मेरी समझ से परे। जिस गीता के एक श्लोक के एक शब्द को भी आज तक बदलने की मेधा शक्ति दुनिया के किसी विद्वान के पास नहीं, उस ना बदल सकने वाली गीता को बार बार बदलने वाले संविधान के अनुच्छेदों के ऊपर कुमार विश्वास ने क्यों रखा। ये सब बातें लिखते हुए पत्रकार अजीत कुमार मिश्रा ने अपने लेख में और भी बातें लिखी और पूछा, हमारा संविधान किस आधार पर भेदभाव रहित सभ्य समाज को स्थापित करने में सफल होगा, जहां कर्म को जन्म के ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुरान का जिक्र किया, सभ्यता का जिक्र किया, सिद्धांत का जिक्र किया और कवि कुमार विश्वास के बयान पर कई सवाल पूछ डाले और उन्हें डरपोक तक बता दिया। बाकी उनके फेसबुक पर जाकर आप पूरा लेख विस्तार से पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल संविधान को लेकर पत्रकार अजीत कुमार मिश्रा ने अपनी राय रखी। ऐसे में कई तरह के कमेंट्स उनके पोस्ट पर आ रहे हैं। जैसे रजनीश रंजन पांडे ने लिखा, गीता और संविधान में से किसे चुनेंगे, ये सवाल ही बेईमानी। इसके अलावा इंदिवर नित्यानंद कतारे ने लिखा, श्रीमद भागवत गीता जी की संविधान से कोई तुलना नहीं हो सकती, एक ईश्वर की वाणी है जिसे कभी संशोधित नहीं किया जा सकता और दूसरी अपने संशोधन के कारण ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। आशीष रातोड़े ने कहा, भगवत गीता की तुलना संविधान से नहीं की जानी चाहिए, दोनों अपनी जगह ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस मुद्दे पर लोगों का मत है। फिलहाल आपका क्या मत है इस पर, आप गीता और संविधान में किसे चुनेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।